नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें करनाल के करण गेट से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से करण गेट पर भी जो है अफरा तफरी का माहौल जो है वो यहाँ पर बन गया है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो टीम्स है उनके द्वारा आज जो है एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कि लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से अगर कोई फायर इमरजेंसी होती है या किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो किस तरीके से लोगों को जो है अपने आप को संभालना चाहिए, आसपास के लोगों को जो है ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की टीम्स जो है वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है दुकान से बाहर निकालने का प्रयास जो है अब किया जाएगा। आप देख सकते हो ऊपर किस तरीके से धुआं जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से निकल रहा है, और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची है। उस फायर को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला जाना चाहिए अगर इस तरीके की कोई भी इमरजेंसी जो है कभी हो जाती है, इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है यहाँ पर आज इस मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया, जो कि पहले हालांकि करनाल के जिला सचिवालय पर भी किया गया, और अब जो है आप लोग करनाल के करण गेट मार्केट से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आसपास आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को भी इसके बारे में जो है जानकारी देने के लिए जो है आज इस पूरे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि लोग जो है खुद यहाँ पर देख सकें किस तरीके से उन्हें अपनी और अपने आसपास के लोगों की जो है सेफ्टी को बरकरार रखना चाहिए किस तरीके। हालांकि मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें, इसका अहम मकसद यही होता है कि इस तरीके की मॉक ड्रिल का आयोजन करने से ये पता लगाया जा सके कि कितने समय में जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँचती है, कितने समय में डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुँचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है, और किस तरीके से जो है फायर को जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। और ऐसे ही एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो है आज CMCT करनाल की दो हिस्सों में किया गया, एक पहले जिला सचिवालय में जहां पर पूरा जिला सचिवालय हो चाहे कोर्ट परिसर हो, सभी जो है कर्मचारी वहां पर अफरा तफरी का माहौल जो है वहां पर बन गया था जब एकदम से जो है इस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन वहां पर भी किया गया था। दूसरी तस्वीरें आप लोग करनाल के करण गेट मार्केट से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, वो किस तरीके से पूरा यहाँ पर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे और किस तरीके से जो है ऐसे फायर के अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। हालांकि लोगों को भी इसके बारे में जागरूक जरूर किया जा रहा है, जो फैम्फलेट्स हैं वो लोगों को बांटे जा रहे हैं ताकि लोग भी जो है पढ़ सकें कि अगर इस तरीके की इमरजेंसी कल को कभी उनके आसपास के एरियाज पर होती है तो घबराने की बजाय किस तरीके से तुरंत जो है फायर ब्रिगेड के नंबर्स पर कॉल करना चाहिए और आग पर जो है काबू पाना चाहिए। आप देख सकते हैं पुलिस की, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं थाना सिटी SHO मौके पर मौजूद थे, सिविल लाइन SHO यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और इसी तरीके से जो है मॉक ड्रिल की द्वारा जो है ये लोगों को दर्शाया जा रहा है कि कल को अगर किसी भी तरीके से ऐसे कोई दुर्घटना होती है तो कैसे उस पर कंट्रोल पाया जाना चाहिए और किस तरीके से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचेंगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और जिला सचिवालय की अगर हम बात करें, आपने लाइव तस्वीरों में देखा था किस तरीके से DSP हो, SP हो, वो मौके पर मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है उसका अभाव करते हुए नजर आ रही है ताकि ऊपर लगी आग जो कि हालांकि एक दर्शाया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के करण गेट मार्केट से देख रहे हैं, एवन स्वीट के ऑपोजिट की ये लाइव तस्वीरें हैं, लोग भी आसपास काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, पुलिस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं DSP राजीव भी जो है अब इस समय मौके पर मौजूद है, SP मौके पर पहुंचे हैं, DC करनाल जो है वो मौके पर पहुंचे हैं, लाइफ एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंच गई है। और इस मॉक ड्रिल का अहम मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, बताया जा सके कि अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना कभी होती है तो किस तरीके से पुलिस की टीमें हों, एम्बुलेंस हो और फायर ब्रिगेड की टीम्स हो, वो मौके पर जब पहुंचेंगी तो उसी के बारे में जो है लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए जो है आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसकी आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लोग भी जो है यहाँ पर काफ़ी इकट्ठे हुए हैं ये ज़रूर देखने के लिए कि किस तरीके से वो लोग भी जो है अगर ऐसी कोई दुर्घटना कभी हो जाती है तो उस पर कंट्रोल, काबू कैसे पाया जा सकता है। DC करनाल जो है वो मौके पर मौजूद हैं, SP करनाल मौके पर मौजूद हैं, DSP मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, चाहे थाना सिटी SHO हो, थाना सिविल लाइन SHO हो, फायर ब्रिगेड की टीमें हों, एम्बुलेंस हो, सभी जो है इस समय मौके पर मौजूद हैं। और लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के करण गेट मार्केट से देख रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे रेड क्रॉस के जो अधिकारी हैं वो हो, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हो, एम्बुलेंस हो, मौके पर मौजूद है यहाँ पर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा एक वाक्य जो है वो दर्शाया गया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम्स द्वारा जो है एक सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है कि अगर ऊपर इसी तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर आग में फंस जाए या किसी भी दुर्घटना में जो है वो फंस जाए तो उन्हें किस तरीके से निकाला जाना चाहिए, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर पूरा लोगों को जो है दर्शाया जा रहा है कि कैसे वो अपनी सेफ्टी को जो है बरकरार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोगों को, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो फेक पेशेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर बनाया गया है ताकि इस तरीके से जो तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं एम्बुलेंस की टीम्स जो मौके पर पहुंची वो किस तरीके से लोगों को जो है यहाँ से लेके जाते हुए नजर आ रही है कि इसी तरीके से अगर कोई भी घायल व्यक्ति जो है ऊपर फंस जाता है तो उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के करण गेट मार्केट से देख रहे हैं। आप लोग लाइव तस्वीरें करनाल के करण गेट मार्केट से देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे करण गेट मार्केट पर जहां पर जिला सचिवालय के बाद यहां पर जो है अब एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं चाहे रेडक्रॉस के अधिकारी हों वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, डिजास्टर जो तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपको दिखाया कि एसपी जो है करनाल के वो भी मौके पर मौजूद है, उनसे एक बार हम जानना जरूर चाहेंगे, बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आज इस मॉक ड्रिल? तो ये आप देख सकते हैं हालांकि जो एसपी और डीसी हैं करनाल के वो मौके पर मौजूद है, कुछ ही समय में उनसे बातचीत भी जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल की करण गेट मार्केट पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उसके पीछे का मकसद था, क्या कुछ उसके पीछे का मोटिव था, उसके बारे में हालांकि कुछ ही समय में जो है एसपी और डीसी से भी हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इमरजेंसी फर्स्ट एड रिस्पांस टीम जो है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और वो लोगों को जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रेचर पर जो है लोगों को लेकर आया जा रहा है, जो लोग ऊपर मौजूद थे जहाँ पर आग का जो है पूरा ये सिनेरियो क्रिएट किया गया था। ये मॉक ड्रिल का अहम मकसद यही था कि लोगों को दर्शाया जा सके कि अगर इसी तरीके से कोई भी घायल व्यक्ति होता है तो उसे किस तरीके से एम्बुलेंस में तुरंत लेकर जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मेम्बर्स हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुँची हैं, एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर मौजूद थी। हमारी आप लोगों से बार बार यही अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डिजास्टर रिस्पांस टीम के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और इसका यही अहम मकसद था कि अगर इस तरीके से कोई भी दुर्घटना कभी भी होती है तो किस तरीके से लोगों को बताया जा सके कि ये सभी टीम्स जो हैं उनकी सेवा में यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन लोगों को जल्द से जल्द चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम्स हो, पुलिस की टीम्स हो, उन्हें फ़ोन करना ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ अपनी सेफ्टी बरकरार रखना, कॉल्स करना और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जो है सुरक्षित रखने का एक अहम मकसद, एक अहम रूल जो है वो लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। फायर के ऊपर दिया जाएगा, आप सब यहाँ आके फायर सिलेंडर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरी गुजारिश है जितने भी आप देख सकते हैं कि लोगों को जो है यहाँ पर फायर सिलेंडर जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके बारे में भी लोगों को जो है अब जानकारी दी जाएगी ताकि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो सभी लोगों को जो है फायर एक्सटिंग्विशर चलाना जरूर आना चाहिए, इसके बारे में भी जो है अब लोगों को जानकारी देते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो उनके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी आप लोगों से अपील ही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास सराहनीय जरूर है कि इस तरीके से लोगों को जो है मॉक ड्रिल के थ्रू जो है जागरूक किया जा रहा है। सीएम सिटी करनाल के करण गेट से आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मार्केट कमेटी के प्रधान मिस्टर बत्रा से गुजारिश है अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप मंच के पास आ जाइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो आसपास किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस मॉक ड्रिल के द्वारा जो है जागरूक करने का जो अहम मकसद है पुलिस की टीम का वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर जरूर आ रहा है क्योंकि लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अब लोगों को जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने के बारे में जानकारी जो है वो यहाँ पर पुलिस लोगों को देती हुई नजर आ रही है, उनके अधिकारी लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
हमारे छोटी आग के बुझाने के लिए मार्केट के प्रधान मुझसे पत्र से मेरी गुजारिश है कि सभी दुकानदारों को लेकर के आप यहाँ आ जाइए। ये आपने जो मॉड्यूल ऑर्गेनाइज कराई गई है बहुत ही इजी है, बड़े आराम से। मिस्टर बत्रा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मार्केट के सभी ओनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आइए। ये आप लोगों के लिए है, डेमोस्ट्रेशन दिया जा रहा है। फायर केसेस हमने पहले भी देखे हैं मार्केट में, सिर्फ इसकी जो ये है फायर केसेस पहले भी हुए हैं, आराम से निकाल सकते हैं। जो आमजन यहाँ मौजूद है उनसे भी गुजारिश है वो पास आकर के थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। सभी दुकानदार भाइयों से, सभी दुकानदार के मालिकों से मेरी गुजारिश है कि वो आइए और आकर के डेमोन्स्ट्रेशन को देखिए। चलो जी अब कराउंट शुरू हुआ। बस 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 करो। देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को जो है खुद यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस तरीके से करना है उसके बारे में बताया जा रहा है, और साथ ही साथ लोग यहाँ पर खुद जो है उसे यूज करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अगर ऐसी तरीके की कोई भी इमरजेंसी जो है होती है तो लोगों को जो है खुद उसे यूज करना आना चाहिए, इसके बारे में जो है लोगों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ लोग यहाँ पर खुद जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ ही समय में हम लोग करनाल के DC और SP से भी बातचीत जरूर करेंगे, उनसे भी जरूर जानेंगे क्या कुछ इसका एक साइड में लगाया जाता है, तेल की आग बुझाने के काम आता है, तेल की आग बुझाने के काम आता है। बहुत आसानी से आप इसको चला सकते हैं, कोई भी करने की जरूरत नहीं है, कभी फटता भी नहीं है। ये CO2 का सिलेंडर है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये बिजली का इक्विपमेंट की आग बुझाने के लिए बहुत। अरे पीछे हो जाओ ना आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाओ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि बहुत ही कूल ठंडी होती है और आग बुझाने में बहुत ही कारगर होती है। ये इस प्रकार से तीन प्रकार के सिलेंडर, इस प्रकार से तीन प्रकार के सिलेंडर हम अपने संस्थानों में लगाकर आग से बचाव कर सकते हैं। ये फर्स्ट एड होती है, एक ADC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मैंने आपको दिखाया, एक CO2 लाइट दिखाया, और एक फोम एक्सटिंग्विशर मैंने आपको सामने चला के दिखाया है, जिसको फोम एक्सटिंग्विशर किसने बोलते हैं, AFFF फोम, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम, जो कि केमिकल से बड़ा होता है और उस सिलेंडर से झाग निकलते हैं और जो तेल की आग बुझाने में कारगर सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के सिलेंडर हमारे सभी संस्थानों में लगे होते हैं और फर्स्ट एड का कार्य करते हैं और बहुत ही आसानी से हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। मैं अपने उपायुक्त महोदय जी से दरख्वास्त करूंगा कि दो शब्द हमारी मार्केट वालों के बोले। तो आज ये हमने फायर की डिजास्टर के रूप में एक मॉक ड्रिल की है। मेरा मानना है कि हम सबको कॉमन मैन के तरह कुछ बेसिक चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए कि जब हमारे घरों में कोई आग लग जाए तो किस तरीके से हम उस पर रिएक्ट करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आग लगे आपने 101 नंबर पर फोन करके सूचना देनी है ताकि अग्निशमन यंत्र तुरंत आपके वहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद आपने कोई भी भगदड़ नहीं मचानी है,
आराम से खुद को काम कंपोज रखना है, मुंह के ऊपर नाक के ऊपर गीला रुमाल करके रख लेना है ताकि आप जो धुआं है उसको अंदर सांस उसको सांस के रूप में अंदर ना ले लें, क्योंकि ऐसा करने से आप बेहोश हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही अगर आपके पैरों पे या शरीर पे कहीं पे भी आग लगी है तो आपने खड़ा ना होकर के लेट करके और फिर पलतियां लेकर के आग बुझाने की कोशिश करनी है ताकि कहीं पे भी आपके ऊपर तक शरीर के बाकी हिस्सों तक आग ना पहुंचे। उसके बाद आपने जमीन के या फर्श के जितना नीचे आप रह सकते हो लेट करके वहां रहना है ताकि धुआं जो हल्की होती है वो तो ऊपर उठ जाएगी और वो नीचे आप रहोगे लेट करके तो आपको थोड़ी शुद्ध ऑक्सीजन सांस लेने को मिलेगी। आपने कभी भी आग लगने के समय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीढ़ियों से नीचे चल के आना है। और आप सबके घरों में अग्निशमन यंत्र लगे होने चाहिए। ये तीन अलग अलग किस्म के यंत्र हमारे सामने रखे हैं, ये आपको डेमो के लिए ही हमने दिखाए थे। आप सबको ये यंत्र घरों में लगे भी दुकानों में लगे भी होने चाहिए और इनका इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी आग लगे तो हम उसको बुझा सकें। सिलेंडर की जो नलकी है उसको समय समय पर बदलते रहें ताकि वो लीक होने से आग ना लगे। और अगर आपको सिलेंडर से गैस लीक होने की अंदेशा भी है तो अपने घर की दुकान की खिड़कियां वगैरह खोल दें ताकि गैस बाहर निकल जाए और उसमें आग ना लगे। जब भी आग लगने के या गैस लीकेज की शिकायत आती है तो कभी भी बिजली के जो बटन है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ ना करें, उसकी स्पार्क से भी आग लगने का अंदेशा रहता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सबको और हमारे सभी परिवार के सदस्यों को एक तो फर्स्ट एड किट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। रेड क्रॉस ये है, ये हर रोजाना अलग अलग बैचेस में क्लास लेकर के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाता है तो आप सब कृपया करके वहाँ पे ट्रेनिंग जरूर लें। साथ ही अग्निशमन यंत्र के इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग जो है वो हम सबको और हमारे सभी परिवार के सदस्यों को होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी नेता आपने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं जो कि सबकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बातें रिपीट करते हुए एक बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि 100 नंबर पे कॉल करते हैं फोन नहीं मिलता, उसके कई कारण हैं। इसलिए मैं एक ऑल्टरनेट नंबर भी आज आपके माध्यम से जारी करना चाहूंगा, ये 7419450100 74 194 50 100। ये ऑल्टरनेट नंबर है जो कंट्रोल रूम का है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सीरीज के नंबर है 9729990700 से लेके आप 701 702 711 12 ये सभी SHO तो चौकी चार्जेस के हमारे पुलिस के ऑफिसर्स के नंबर हैं, आप इस पर भी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके, ऑपरेशन फिनिश सर। जय बहुत बढ़िया, वेल डन आपकी पूरी टीम को, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितना आपका टोटल स्टाफ कितना है? टोटल स्टाफ नंबर कितने लोग हैं? फायरमैन कितने हैं हमारे? 51 और फायर चालक कितने हैं? 80 है, उसमें लगभग 50-51 फायरमैन, 24 के करीब चालक है। और एक इसी तरीके से भाई तो ये आपने देखा किस तरीके से DC और SP साहब जो है करनाल के, उनके द्वारा जो है लोगों को संबोधित भी किया गया। हम लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसमें सही आवाज आएगी तो एक बार हम लोग उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। नीचे ही रखना है। सर क्या कहना चाहेंगे आज मॉक ड्रिल की गई जिला सचिवालय में भी और करण गेट में? आज जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत सचिवालय में और जो हमारा करण गेट मार्केट है दोनों जगह पे मॉक ड्रिल की, इसमें हमने एक तो जो हमारी नेसेसरी सर्विसेज हैं फायर है, पुलिस है और हेल्थ है, इनको फोन जाता है तो कितनी देर में वो रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद हमने एक परिकल्पना करते हुए इमेजिन किया कि मिनी सेक्रेटरेट की सेकंड फ्लोर पे और यहाँ भी एक बिल्डिंग में आग लग गई है तो हमने स्मोक निकाल करके वो आग की परिकल्पना की। और फिर हमारे फायर स्टाफ की हमने प्रिपेयरनेस देखी कि कैसे वो सीढ़ियाँ लगा करके ऊपर जाते हैं, आग को बुझाते हैं और जो भी विक्टिम्स हैं जो घायल हैं उनको नीचे लेकर के आते हैं और उनको तुरंत कितनी जल्दी जो है उपचार के लिए भेजा जाता है। साथ ही में फिर हमने जो फायर लगने की और फायर की तैयारियों को लेकर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी प्रिकॉशंस हैं, जो हमें डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
वो हमने हमारे सभी मिनी सेक्रेटरी में सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को बताया और मार्केट में सभी व्यापारी भाइयों को ये बता करके सूचित किया। मेरा हमारे मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध रहेगा कि इन इंस्ट्रक्शंस को और इन ड्रिल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि बेसिक जो एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हर एक इंसान को डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो हर घर में ज़रूर पहुंचे। और मैं आप लोगों के माध्यम से हर एक हाउस होल्ड से हर एक नागरिक से अनुरोध करना चाहूँगा कि रेड क्रॉस की ट्रेनिंग जरूर अपने सभी परिवार के सदस्यों को दिलवाएं और फायर सेफ्टी की और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो अग्निशमन यंत्र उनको चलाने की ट्रेनिंग भी सबको दिलवाएं। सर एक परेशानी ये होती है कि रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि गाड़ियां खड़ी होती हैं, लोगों को भी ट्रैफिक सेंस नहीं है, लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के साथ खरीदारी करने आएंगे, शोरूम के बाहर गाड़ी लगाएंगे, और दूसरा कि पार्किंग के जो स्पेस अवेलेबल होने चाहिए थे वो नहीं है। नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग 4 साल से खाली पड़ा प्लॉट, उसको टेम्परेरी तरीके से पार्किंग के लिए शुरू किया जा सकता था, वो प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू हो पाया, तो इस पर कब से तक ध्यान दे पाए? जो शहर का ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, जो मार्केट एरियाज हैं, उन पे नगर निगम कार्यरत है कि कोई टेम्परेरी पार्किंग्स वैसे करके हम एस्टेब्लिश करें, बनवाएं। और जो मिनी सेक्रेटरी और बाकी एरिया हैं, आज हमने बल्कि तैयारियों में भी ये जांचा कि अगर कहीं पे भी कोई ट्रैफिक हर्डल नज़र आती है तो हम विल मेक श्योर कि एक अनहिंडर्ड प्रेजेंस हम अपने व्हीकल्स को वहाँ पे दें। जैसे कि अभी डी साहब ने बताया, आज ये मॉक ड्रिल प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दो हैं, एक तो ये कि हम जो हमारी तैयारी है, जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हम उसका रिस्पांस टाइम जान सकें, और दूसरा ये है कि आम जनता को और सभी अधिकारी कर्मचारियों को हम जागरूक कर सकें यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत एक महत्वपूर्ण ये मॉक ड्रिल है जिससे कि हम सभी को जो प्रिकॉशंस हमने किसी डिज़ास्टर को डील करने के लिए और जान माल की सुरक्षा के लिए करने हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिली। सर एसडीएम ऑफिस, इंद्री एसडीएम ऑफिस और गरोंडा एसडीएम ऑफिस, वहाँ भी मॉक ड्रिल की। तो आप देख सकते हैं कि असम के अंदर भी ये मॉक ड्रिल की गई, करण गेट पर भी ये मॉक ड्रिल की गई, जिला सचिवालय पर भी ये मॉक ड्रिल की गई। एक परिकल्पना की गई कि किस तरह से अगर आग लगती है तो डिजास्टर डिपार्टमेंट, दमकल विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस विभाग जो आकर किस तरह से आग पर काबू पाएगा और जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उन्हें किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाएगा, किस तरह से अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें देखने को मिली आज जिला सचिवालय के अंदर और करण गेट के अंदर। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये पता चलेगी कि अगर कभी कहीं पर भी आग लगती है तो कहाँ पर हमें कॉल करना है और उस आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।